यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स, मतलब शिक्षण विधियां, पार्ट टू है ये। कुछ कल 10 मेथड्स को हमने डिस्कस किया, 10 विधियों को अलग अलग, चाहे जिसमें आपका कई सारे मेथड्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 12-14 मेथड्स को जो इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि अगर बनाना चाहूं या बनाए जाएं तो कुछ 20-30-50 वीडियोस बन जाएं मेथड्स को लेकर के, बट जिसकी जितनी महत्ता है और जिस संख्या में ज़्यादा जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंस रखती है पहले हम उसको कवर करें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है कवर करने के लिए। तो यहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस आप पेपर में देखते हैं वो कवर हो जाएंगे मोस्टली, और ये सारे मेथड्स भी हम सिर्फ 2 वीडियो में खत्म कर चुके होंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सैटरडे को कर लेंगे जो मेथड्स से रिलेटेड होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। और एक तो सभी को ऐसे शुभकामनाएं हैं जिनका भी सीटेट क्लियर हुआ है। कुछ 3000 के आसपास कमेंट्स अब तक आप लोगों ने छोड़े हैं। लाइव चैट को अगर साइड कर दिया जाए और उस वीडियो पर रिजल्ट आउट और दुनिया भर के कमेंट्स के अलावा जो ईमेल्स हैं एकदम टन टन टन, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत मतलब एक खुशी है, ये एक प्राउड मोमेंट है। और इंडिविजुअली जो बेसिकली रिस्पांस आप लोग देते हैं सीटेट में लेट्स लर्न को शायद ही कहीं मिलता हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अच्छा, एक ये ओवरवेलमिंग मोमेंट हो जाता है मेरे लिए जब भी सीटेट का रिजल्ट आता है। और मतलब ऐसे साक्ष्य है, आप लोग चेक करें इधर उधर इंस्टाग्राम, इतने सारे कमेंट्स, बहुत मज़ेदार। चलिए आ जाते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार सभी को। देखो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, सारे कमेंट्स। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, जल्दी मीटअप करेंगे, मिलते हैं दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं यहाँ। हाँ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेशन है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कल एनवीएस देने जाइए, चाहे कहीं भी कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, सब जगह पर इवन टीजीटी पीजीटी सभी में आता है ये टॉपिक। स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। कल हमने इन 10 मेथड्स को डिस्कस किया, उसके बाद आज हम करेंगे रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, फिर करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्ले वे, मॉन्टेसरी, ये जो नाम में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है उसको भी क्लियर करेंगे, और इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस एंड सिंथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रिल मेथड और सोर्स मेथड, एक्टिविटी मेथड, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं बट जो मेन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो एक एक मेथड पर और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, बट ये इनफ है अगर आप ये 2 वीडियोस देख लेते हैं और एक क्वेश्चन वाली वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं, और आई होप एकदम क्लियर होगी स्क्रीन। पहला मेथड लेते हैं आज के लिए, एक मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है आज लाइटिंग में मैंने गड़बड़ करी है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब रोल प्ले मेथड पे आ जाते हैं। आज के लिए पहला मेथड रहेगा, वैसे 11th है, रोल प्ले एवं ड्रामेटाइजेशन मेथड या ड्रामा मेथड जिसको हम कह देते हैं, ड्रामेटाइजेशन। किसने दिया या इसका नाम किसके साथ जोड़ सकते हैं, तो जेएल मोरेनो के साथ। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको नाटक भी कह सकते हैं, नाटक विधि जैसा कुछ कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे हैं, कोई भी एक स्टोरी हो सकती है, कुछ भी इस तरह का, उनको एक कैरेक्टर का रोल दिया जाता है या वो टीचर का रोल प्ले करेंगे, और इस दौरान जब वो उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उसकी जो स्टोरी है, जिस जैसे उसको भाव के साथ बाहर लाना है, तो बहुत ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होता है। जो बच्चा सुन रहा होता है उसके लिए लिसनिंग पावर भी अच्छी होती है, जो बोलेगा उसकी स्पीकिंग पावर भी अच्छी है, और दोनों भी अच्छी होंगी, क्योंकि अगर 2 पात्र हैं किसी कहानी में, मतलब कि अगर 2 कैरेक्टर हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे भी ध्यान से, तभी तो जवाब दे पाएंगे। तो सेंसेस बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, इमेजिनेशन अच्छी यूज हो रही है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विकसित हो रही हैं कहीं ना कहीं, क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है बच्चे में, और खेल खेल मतलब चाइल्ड सेंटर्ड भी है एक तरह से। और दूसरी एक बात, अगर हम यहाँ बात करें तो क्या चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ये टीचिंग ट्रेनिंग संस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे माइक्रो टीचिंग करते टाइम भी सिमुलेशन जो किया जाता है वहां पर। तो ये 2-4 चीजें हैं जो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट में तो पूछा भी गया है, आई थिंक 2016 या 15 के पेपर में, एक बार उसको चेक करना।
हाँ देखो, अब थोड़ा सा मार्क्स बाद में बताना, पहले डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस हो जाएगा। ट्वेल्थ जो मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या बुद्धिशीलता जिसको कहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या बुद्धिशीलता। इसको दिया किसने था? एलेक्स फैक ने, ऑसबोर्न। अगर इतना ना याद रखना हो तो AF हॉट नहीं, AF ऑसबोर्न ने दिया था इसको। और इनकी जो बुक थी क्रिएटिविटी के नाम से, इमेजिनिंग क्रिएटिविटी या कुछ इस तरह का इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने इसको बात की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ग्रुप में बच्चों को बिठा करके नई एक प्रॉब्लम दी स्पेसिफिक, उस पर सोचने के लिए कहा गया, अलग अलग आइडियाज की बारिश होगी इस सिचुएशन में, है ना। ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे वो, ठीक है, जोर डालेंगे और अलग अलग सॉल्यूशंस अपने बताएंगे, ठीक, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर। एकदम स्पॉन्टेनियस जो आंसर होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, एकदम अचानक से जो भी आइडिया आया किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। अच्छा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, चलो बात की सारे बच्चों ने, किसी ने कुछ सॉल्यूशन दिया, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया। क्या है इसके पीछे उद्देश्य है? कि एक अकेले दिमाग से ज्यादा जब ग्रुप में लोग बैठते हैं तो वो ज्यादा आइडियाज को इवॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा आइडियाज दे पाते हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। तो ये एक तो ऑसबर्न ने दिया, दूसरा ग्रुप में क्रिएटिविटी, इमेजिन करने के लिए कहा जाता है प्रॉब्लम को, इमेजिनेशन पार और क्रिएटिविटी निकल के आएगी, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे बच्चे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, जरूरी थोड़ा ना सब सेम सॉल्यूशन बताएंगे प्रॉब्लम का। अगर छह बच्चे हैं तो वो छह अलग अलग तरीके बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी इमेजिनेशन के आधार पे, ठीक है। तो ये बात हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ग्रुप में इसको किया जाता है और ग्रुप में ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 13th मेथड पर। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, डिटेल्स बस याद भी रख लोगे या नाम तो लिख ही लेना, उससे क्या होगा क्वेश्चन एक एक नंबर के मिस नहीं होंगे। 13th पर आएंगे, सभी जगह इंपॉर्टेंट है ये। 13th मेथड क्या होगा आज के लिए? 13th मेथड है प्ले वे, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कई नंबर में आ जाता है और इसमें कंफ्यूजन भी रहती है लोगों को। प्ले वे मेथड या खेल विधि, प्ले वे मेथड या खेल विधि जिसको हम कह देते हैं, किसने इसके जन्मदाता कौन थे? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है, ऐसे फ्रोबेल लिख देते हैं हम हिंदी में, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल। और इन्होंने बेसिकली किस चीज पर ध्यान दिया? एक तो बच्चे फ्रीडम के साथ खेल खेल में कुछ सीख पाए, चाहे वो कल्चरल गीत हो या कुछ इस तरह का, जो वो एक तो नेचर के पास रहे और दूसरा खेल खेल में एकदम मजे में नेचुरल जो सहजता है उनके अंदर की वो निकल करके आए। इसका दूसरा जो नाम दिया, बेसिकली इसको जो नाम परिवर्तन किया वो क्या किया? किंडरगार्टन कहा गया। और इसका जो प्ले वे मेथड के लिए जो नाम देने का श्रेय जाता है कि भाई थियराइज किया इसको इस नाम से, वो जाता है कोल्डवेल कुक को। तो अगर पूछे सिर्फ नाम किसने दिया तो कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक, आई होप आप देख पा रहे होंगे, हाँ हेनरी कोल्डवेल कुक अगर नाम की बात करें, लेकिन इसके जो जन्मदाता हैं वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ही हैं, चाहे किंडरगार्टन दे चाहे प्ले वे दे, नाम की बात करें तो इसमें हेनरी कोल्डवेल कुक। अब यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करना जरूरी है, जैसे इसका नाम होता है किंडरगार्टन तो इसके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी हो जाता है। देखो लाइटिंग का बहुत ज्यादा इशू तो नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लाइटिंग लग रही है आज, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका दूसरा नाम कह सकते हैं जिसमें परिवर्तन किया गया वो है किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन विधि या मेथड। अब किंडरगार्टन का मतलब क्या था? बच्चों का बगीचा या गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का बगीचा, इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है उसको देखेंगे, या गार्डन ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं। ये नेचुरलिज्म से प्रभावित हैं, जो भी नेचर के पास की बात करेगा, जो भी बेसिकली प्रकृति की बात करेगा ऑब्वियसली प्रभावित होगा। किंडरगार्टन किसने? फ्रोबेल। कहां ये स्कूल खोले गए थे? 1835 के अराउंड ये खोले गए थे जर्मनी में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जर्मनी के अंदर ये स्कूल्स खोले गए थे। और ये किन के लिए स्पेशली ज्यादा हेल्पफुल है? जो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं, 2 से 6 या 8 वर्ष, 3 से 6 के बीच के जो बच्चे हैं,
तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे फ्रीडम के साथ खेल खेल में कुछ कुछ सीखते हैं, नेचर के पास होते हैं। इनकी पूरी एक कहानी है कि कैसे इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने अकेले बहुत सारा टाइम बिताया गार्डन के आसपास, फादर जाते थे पूरा। वो स्टोरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, काम की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। तो किंडरगार्टन मेथड, फ्रॉबेल जर्मनी में पहले स्कूल्स खोले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या होता है, तो गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो और यहां पे जो टीचर है वो किसकी तरह काम करेगा, माली की तरह, गार्डनर की तरह, बस सींचने का काम करेगा। और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं या स्टूडेंट हैं, वो क्या है यहां पर, बेसिकली वो गार्डन की तरह है या पौधों की तरह है अगर मैं कहूं तो, प्लांट्स की तरह, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना है कि माली जबरदस्ती खींच खींच के लंबा कर देता है, वो जब जरूरत होती है खाद देता है, पानी देता है और उनको खुद से नेचुरली अपने आप ग्रो होने देता है। तो ये एक बात है कि गार्डनर और प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम के नंबर से थोड़ा सा बाहर आओ, ये आएगा पेपर में, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे, इतनी ही इच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा, काम की चीजें थी, बहुत बढ़िया। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहना, और ये मोटिवेशन कम मत करो सीखने की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं बना रहा तो दिक्कत होगी। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो है मोंटेसरी मेथड, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मोंटेसरी मेथड पर आएंगे, मोंटेसरी विधि भी कह देते हैं जिसको, और बहुत फेमस है मोंटेसरी मेथड। दिया किसने था, इसकी प्रोपाउंडर कौन थी, तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, ठीक है। और ये नेचुरलिस्ट फिलोसोफी में बिलीव करती थी, मतलब कि प्रकृतिवाद। और दूसरा एक चीज उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, वो सीखेगा खुद ही, ठीक है। तो कोई बाहर से आउटसाइड नहीं सिखा सकता, इनकलकेट करना है अंदर से ज्ञान, ठीक। दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा जो खेल है, कोलैबोरेटिव प्ले को इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान में रखा कि बच्चे कोलैबोरेटिव प्ले में जब शामिल होते हैं अपनी इच्छा से, बहुत सारे टॉयज और इस तरह की बहुत क्रिएटिव क्लासरूम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और जब वो काम करेंगे, यही वही अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं, लेटर चाइल्डहुड तक 8 साल से पहले पहले की कहानी है। तो ये जो बच्चे हैं जब फ्रीडम के साथ खेलते कूदते 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो ये बेहतर सीख पाएंगे, टुकड़ों में तोड़ के चीजों को, क्रिएटिव एकदम चार्ट और ये टॉयज वगैरह का इस्तेमाल करके खेलेंगे और सीखेंगे। तो इसको मोंटेसरी मेथड भी कहते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट मेथड पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड है डाल्टन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। डाल्टन मेथड, जिसको ठेका विधि भी कहते हैं, ठेका विधि, लेबोरेटरी मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। दिया किसने था, इसको जरा बताना कमेंट करके। फटाफट से बताएं किसने दिया था इसको, डाल्टन मेथड को, फटाफट से बताएं। मोंटेसरी एंड प्लेवे में क्या डिफरेंस है, देखो प्लेवे बहुत टाइम पहले 19th century की शुरुआत में अगर देखें तो 1835 के अराउंड कौन देखे गए थे, फ्रॉबेल। उसमें इन्होंने खेल की बात की, गार्डन की बात की, इन्होंने और ज्यादा टूल्स वगैरह को उसमें इंट्रोड्यूस किया, मारिया मोंटेसरी ने थोड़ा सा एडवांस बना दिया उसको। पार्कहर्स्ट, हेलेना नहीं है, हेलेन पार्कहर्स्ट है, हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा था सुमन, आपने बहुत सारे लोगों का डाउट दूर कर दिया। जॉन डाल्टन कभी मत सोच लेना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है और पेपर में ऑप्शन भी आता है डाल्टन का कि जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। ये डाल्टन जो है ये शहर है अमेरिका का, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक जगह है, इस यहां पर पहली बार ये स्कूल्स खोले गए और इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी गई, डाल्टन इस जगह के ऊपर इसका नाम रखा गया। इसकी जो जन्मदाता थी वो हेलेन पार्कहर्स्ट थी, एक महिला थी, हेलेन पार्कहर्स्ट एजुकेशनिस्ट थी। ये प्रभावित थी मारिया मोंटेसरी से और जॉन डुई से, तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने
प्रमोट किया, किससे प्रभावित थी? जॉन डुई और दूसरा आपका मारिया मोंटेसरी, ठीक है। तो सबने अपने 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 अनुसार अलग अलग तरीके अपना करके, अपने इनोवेशन करके कुछ कुछ नए मेथड्स दिए। एक फिलोसोफी को बहुत सारे लोग बिलोंग कर सकते हैं, भाई इन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग पर रखेंगे, और ये जो ठेका विधि थी या लेबोरेटरी मेथड भी जिसको कहा गया, लैब मेथड भी मान लेना इसको, क्योंकि जो क्लासरूम थी उसको लैब के जैसा ही बना दिया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जानने वाली हैं, जैसे ये स्पेशली जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे या फिर कुछ इशू था, तो इसमें फ्लेक्सिबल बनाया गया। ट्रेडिशनल जो टीचिंग टीचर सेंटर्ड क्लासरूम थी उससे चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ लेके जाने की बात हुई, और क्योंकि ये 20th सेंचुरी मतलब 1900s में इसकी बात हुई है, तो इसलिए और ज्यादा एडवांस होगा। तो ये जो ठेका विधि कहा जा रहा है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साल के अनुसार, महीने के अनुसार जो टास्क हैं, जो काम है, असाइनमेंट और इस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह, वो डिवाइड कर दिए जाते हैं और बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने लर्निंग के पेस पर काम करते हैं, और जब जरूरत होती है तब टीचर उनको असिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी और कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। यूएस में हेलन पार्कहर्स्ट ने इसको दिया, और डाल्टन मत लगाया ना, एक नंबर चला जाएगा। ठेका विधि या लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, क्या होता है इसमें, काम को बांट लिया जाता है, जैसे सिलेबस हो या जो भी हो चीजें, उनको टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, 12 महीने के हिसाब से या महीने महीने के हिसाब से एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, बच्चे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जब जरूरत होती है टीचर उनको असिस्ट करता है, ठीक है। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड है, तीसरा लर्निंग बाय डूइंग होती है, इसीलिए जो क्लासरूम है वो लैब्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि बच्चे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, 82 वाला क्वालिफाई माने अपने आप को, होता तो यही आया है। अब इंडक्टिव मेथड की तरफ आएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ये एक एक नंबर है आपके, बहुत प्यार से निकल जाएंगे, अगर ये इतना बहुत लंबा डिस्कशन तो मैं दे भी नहीं रही हूं, बट काम की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं सारी। अब आते हैं किस पर, इंडक्टिव मेथड पर। इंडक्टिव मेथड के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है। 16th मेथड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या है इंडक्टिव या आगमन विधि? इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि, लास्ट में जो डाउट हो पूछ लेना। आगमन विधि, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव दिया, जो अप्रोच थी दिया उनको किसने था? एरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने। लेकिन इनके साथ एरिस्टोटल नहीं हुआ तो नाम में क्या आ जाएगा? बैकन आ जाएगा। बैकन ने बेसिकली इसको, जो एरिस्टोटल की अरस्तु की अप्रोच थी, जो इंडक्टिव मेथड था उनका, इंडक्टिव रीजनिंग थी, उसको आगे बढ़ाया, एडवांस इसको साइंटिफिक मेथड की तरफ लेकर के गए। तो जो साइंटिफिक इनोवेशन की बात आए तो वो फिर इसमें बैकन के काम की वजह से आएगा, इसको एडवांस किया इन्होंने, ठीक है। तो अगर एरिस्टोटल नहीं है तो आप बैकन भी लगा सकते हैं, या नाम की अगर थियराइज करने की बात करें तो बैकन ने, अदरवाइज दिया किसने? एरिस्टोटल, अरस्तु ने, ठीक है। बहुत पुराना मेथड है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये सेशन इंपॉर्टेंट है शाम वाला, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी तैयारी कब हो गई, और ये सभी जगह पे हेल्प करेगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट की कहानी नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जान लेते हैं। एक तो जो चीज है यहां पर क्या है, नोन टू अननोन जाया जाता है, नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, लिखते रहिएगा। सेकंड क्या हो सकता है यहां पर, ये कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, या हाइपोथेसिस टू, हाइपोथेसिस से क्या निकालते हैं हम, रूल निकालते हैं यहां पर, ठीक है। रूल की तरफ जाते हैं, जनरल फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट से, जनरल फॉर्मूला की तरफ मतलब एक सामान्य रूल की तरफ, जनरल रूल की तरफ। अब आप कहेंगे जनरल रूल क्यों हुआ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्यों हुआ? मान लो ये कहा जाए कि काले बादल क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। अब किसी ने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल या किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, नोन चीज क्या है, काले बादल, ठीक है। ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला निकलेगा ये क्या होगा, जनरल होगा। ऐसा बार बार हुआ होगा कि अच्छा जब काले बादल आए तो बारिश हुई, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब अगर हम देखें तो इसको मैथ्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ये जो इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव है, अपने आप में बहुत लंबी इसकी कहानी है, थोड़ा सा और समझेंगे इसको,
या आपने लिख लिया होगा नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल, या कहें अगर हम तो स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। बफरिंग बिल्कुल भी नहीं है, 1% की भी नहीं है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करें। मैं एक बार कमेंट देख लेती हूं फिर इसमें आगे समझेंगे। एक मिनट, एक मिनट रुकना। हाँ, अभी कुछ शायद लाइट पे भी प्रभाव पड़ा होगा। और आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव मेथड की हम बात कर रहे थे। हाँ, कुछ मार्क्स हो सकता है कम हुए हों, ये हो जाता है इंडक्टिव मेथड में। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है। मैथ्स में अगर स्पेशली इसकी बात करें, छोटे लेवल पर जब प्राइमरी क्लासेस की बात आती है तो इसको यूज किया जाता है, कहीं पे दोनों को मिक्स करके यूज कर लिया जाता है। बट स्पेशली जब प्राइमरी क्लासेस में छोटे लेवल पर हम नोन टू अननोन ही जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाते हैं, तो एग्जांपल टू रूल जा रहे हैं यहां पर। कैसे जा रहे हैं, मान लो आपने बच्चों से आप संज्ञा पढ़ा रहे थे, ये बहुत रेट्रो एग्जांपल है बट काम का है, याद रह जाता है इससे। संज्ञा पढ़ा रहे थे, आपने कहा कि भाई किसी व्यक्ति विशेष जो है वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने कहा अपने दोस्तों के नाम बताओ, चार बच्चों को खड़ा करके आपने चार नाम लिख लीजिए बोर्ड पर, आपने लिख दिया। एक बच्चे के बेस्ट फ्रेंड का नाम था राम, श्याम, उसकी फेवरेट डिश थी छोले भटूरे, लिख लेते हैं, ठीक है। ये सारे जो नाम लिखे आपने, अब ये सारे एग्जांपल हैं और स्पेसिफिक है। राम अपने आप में स्पेसिफिक है, छोले भटूरे अपने आप में स्पेसिफिक है, श्याम अपने आप में स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कहा कि बॉयज, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, एग्जांपल टू रूल गए हम, यहां पे ये एग्जांपल स्पेसिफिक था, फिर हमने रूल बताई, डेफिनेशन बाद में बताई कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। पहले आपने सिर्फ बच्चों से नाम पूछ लिए उनकी फेवरेट डिश के, उनकी फेवरेट प्लेस के, उनके फेवरेट जो भी बेसिकली उनके जो दोस्त हैं उन सब के, बेस्ट फ्रेंड वगैरह के, फिर बाद में आपने डेफिनेशन बताई। रूल बाद में बताते हैं, पहले एग्जांपल, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर हम कहें तो डिडक्टिव मेथड है। मेरा बड़ा है नंबर, बहुत बढ़िया। वो आप लोग के आंसर की मैच करने में कुछ इशू रहा होगा, बाकी तो ज्यादा अंतर कुछ पड़ेगा नहीं, वैसे तो इन्होंने इंप्रूव कुछ किया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है आपका डिडक्टिव मेथड, जिसको हम निगमनात्मक विधि कहते हैं। 17th मेथड, दो तीन और बचते हैं। डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि, इसको बेसिकली ये भी एरिस्टोटल ने ही दिया, जब दोनों जो अप्रोच हैं वो एरिस्टोटल या अरस्तु ने दी, ठीक है। अरस्तु, पता नहीं, जो भी छोटी बड़ी जो भी हो लगा लेना, हाँ, तो अरस्तु ने दिया इसको। इसमें बात आती है पहले जनरल रूल, मतलब पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बता दिया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जांपल्स कराए गए, मतलब कि जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे यहां हम विशिष्ट की तरफ। यहां पे अननोन टू नोन कह सकते हैं, यहां पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले डेफिनेशन बता दी जाती जो संज्ञा थी या नाउन थी, उसके बाद एग्जांपल्स दिए जाते कि अच्छा ये भी नाउन में आएगा, ये भी नाउन में आएगा। तो यहां पहले फॉर्मूला, बाद में स्पेसिफिक चीज, ठीक है। मैथ्स में इसको यूज किया जाता है, टाइम सेविंग मेथड है ये अपने आप में, मतलब ये थोड़ा टाइम बचाता है, और बड़े लेवल की जब क्लास होती है आपकी तब ये बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। दोनों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टॉपिक पर भी डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, ये नोट करते रहना साथ में। बहुत बढ़िया कौशिक।
नेक्स्ट है एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इन दोनों को साथ में ही कर लेंगे. अब एनालिसिस एंड सिंथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चार मेथड बचते हैं. तो एनालिसिस और सिंथेसिस बहुत ज़्यादातर जुड़ा हुआ है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव से. अगर हम देखें एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या है, 18 और 19, एनालिसिस मतलब विश्लेषण एंड सिंथेसिस मतलब संश्लेषण. ठीक है, ये जरूरी, आप ब्लूम में भी पढ़ते हैं ये, विश्लेषण विधि और ये संश्लेषण विधि. ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है, जो आप जानते हैं यहां पे कॉन्क्लूजन आपके हाथ में होता है. पहले कॉन्क्लूजन से आप हाइपोथेसिस की तरफ या ब्रेक करके टुकड़ों में तोड़ते हैं, पार्ट्स पे आते हैं आप कॉन्क्लूजन से, या हाइपोथेसिस लगाते हैं कॉन्क्लूजन होने के बाद. जैसे अगर आपके सीटेट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके हाथ में कॉन्क्लूजन तो है, रिजल्ट तो यहां फाइनल है. अब आप यहां से हिस्सों में तोड़ेंगे, पार्ट्स निकालेंगे कि अच्छा इस सब्जेक्ट में इतने आए, इस सब्जेक्ट में इतने आए, इतने आए होते तो ये होता, इसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी, वो मटेरियल ठीक नहीं था, या टीचर ठीक नहीं था, या मेरी मेहनत ठीक नहीं थी, या क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए, ये सब आपने यहां पे पार्ट्स निकाल लिए. इतने सारे आपने पार्ट्स निकाल लिए किससे, कॉन्क्लूजन से, नोन टू अननोन. आप जानते हैं कॉन्क्लूजन, अब जो नहीं जानते उसकी तरफ आप बढ़ेंगे. ठीक है, इसको मैथ साइंस वगैरह में भी यूज किया जाता है. आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस पर. सिंथेसिस क्या है, एक सेकेंड, ज्यादा इंक छोड़ रहा है आज ये. सिंथेसिस क्या है, जोड़ना सबको, है ना, जोड़ना जो पार्ट्स हैं अलग अलग उनको सबको एक जगह पर ला करके जोड़ दिया सारी चीजों को, और तब जा करके एक चीज कॉन्क्लूजन निकाला हमने. यहां पर हाइपोथेसिस टू कॉन्क्लूजन चलेंगे. ठीक है, यहां पर हाइपोथेसिस टू कॉन्क्लूजन चलते हैं हम. यहां पे जोड़ना है, या एक तरह से कंबाइन करके चीजों को देखा जाता है, जोड़ करके, और यहां तोड़ करके मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके. तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है. आगे बढ़ेंगे, कोई स्पेसिफिक नाम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है. नेक्स्ट मेथड पर बढ़ेंगे बहुत जल्दी से, दो मेथड और बचते हैं. आज लाइटिंग ने थोड़ा सा परेशान करके रखा है, कोई बात नहीं. प्रॉब्लम सॉल्विंग और ड्रिल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ड्रिल मेथड, इन दोनों को फटाफट से समझेंगे. पहले देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, टेक्निकली 20th है. प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि. अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम सामने रखी गई, अब उसको आपको सॉल्व करना है. आप अलग अलग आइडियाज लगाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोलैब करेंगे आपस में, उसको आप सॉल्व करेंगे. अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर ये प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक अपने आप में टॉपिक है, सीटेट में कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीटेट के टाइम पे, इसमें बहुत सारे स्टेप वगैरह इंक्लूड रहते हैं. 20th पे आ जाते हैं जो है ड्रिल मेथड. ड्रिल मेथड, ड्रिल आपने समझा होगा, ड्रिल आपको ऐसे स्कूल्स वगैरह में कराई जाती हैं, जब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, आग वाग लगने के लिए जो वो पूरा कराते हैं. तो उस सिचुएशन में ड्रिल क्या है, कोई भी ऐसी मुश्किल प्रिंसिपल हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, जिनको बार बार प्रैक्टिस कराया जाए, ड्रिल कराया जाए, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, याद रहें, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. ठीक है, तो ड्रिल का यही फायदा है कि जो कुछ मुश्किल लॉज होते हैं, और टीचर भी हेल्प करता है जहां जहां जरूरत होती है, नहीं तो बच्चा एक तरह से इसमें रट्टाफिकेशन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है. बट ठीक है, सबका अपना एक यूज है हर एक मेथड का. आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, आज की कहानी इतनी थी. बहुत सारे मेथड्स को हमने डिस्कस किया, और हाँ अभी तो सीटेट का खुमार नहीं उतर रहा कई लोगों का, कोई बात नहीं. हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी, खैर कोई बात नहीं. अब बताइए, कोई भी अगर कुछ भी डाउट रहता है, तो ये थे कुछ मेथड्स जिनको हमने आज और कल में डिस्कस किया. सैटरडे को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कल होपफुली हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट है विद क्वेश्चंस, फिर सोशलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे उसके क्वेश्चंस, और इस तरह से टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो उसकी टेंशन फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है. डेली इंग्लिश डोज का टाइम आजकल थोड़ा सा भटका हुआ है, बाकी 3 बजे है उसका टाइम, आज वो शाम में 6 बजे हुई है, क्योंकि बीच में सीटेट का रिजल्ट आ गया, तो बाकी 3 बजे है उसका टाइम, कल 3 बजे ही होगा होपफुली, है ना. और टीचिंग एप्टीट्यूड का 5 बजे टाइम है, वो कल 5 बजे ही होगा, आज उसको छोड़ते हैं, आज काफ़ी काम हो गया.
चलिए फिर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया वो लाइक जरूर करके जाइएगा, कोई कमेंट हो तो बता दो, और तैयार रहो, जल्दी मीटअप करेंगे दिल्ली में, एक डिस्कशन होगा, जो भी आपकी दुविधाएं हैं उनको भी सुना जाएगा। 117 अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मैम बताएं, आप तो फीस नहीं लेती हैं। हाँ कोई फीस जैसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हो भी तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बहुत हेल्पफुल है आपका हर क्लास, धन्यवाद। चल रहा है बस ऐसे प्यार से आप लोग के, और थोड़ा सस्टेन कर पा रहे हैं, सही चल रहा है। सोशल वाला सेक्शन इस बार मैं करा दूंगी एसएसटी में। अच्छा, जो आपके पूरा साल के दिसंबर तक के जो 2019 के करंट अफेयर होंगे वो हिंदी में राहुल सर डिस्कस कर लेंगे आपसे। महीने के 100 बेस्ट करंट अफेयर निकाल करके बेस्ट वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो ये एक अच्छा सेशन रहेगा हर महीने का, जनवरी का शायद इस वीकेंड पर मिल जाए आपको, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। 99 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं, बीएड वाले अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई बीएड तो आप अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए। अरे बिल्कुल, आप सभी से बेस्ट है अंजलि, और आज आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसे जो लोगो है डीपी है वो मैंने लेट्स लर्न वाली देखी है, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। 3 बजे, 3 बजे खुशबू डेली इंग्लिश डोज। आप हरियाणा से हो क्या? नहीं, ऐसे इंडिया से ही मान लो आप, हरियाणा से नहीं हो बाकी। हाँ अगर टच आता है तो वो उसका रीजन है, बट नहीं डिस्कस करें चैनल पे तो अच्छा है। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? देखो अगर सीटेट की बात कर रहे हो तो अगर आप सीटेट के लिए जुड़े रहते हैं तो जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं या मेन क्या इवन पेपर वन में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इस तरह से हम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर टॉपिक करते हैं, और हर टॉपिक करना जरूरी भी नहीं होता। सीडीपी तो पूरी तरह से ही करते हैं, और जिसने सीडीपी अच्छे से किया है वो बाकी भी अच्छा कर पाता है। इसके अलावा इंग्लिश पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी, कुछ टॉपिक और ज्यादातर क्वेश्चंस के थ्रू इस तरह से डिस्कशन हो जाता है कि अगर आपने इंग्लिश और हिंदी पैडागॉजी के सेशन लिए हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश पैडागॉजी के 15 नंबर में से एटलीस्ट 12 करके आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग वही 4 टॉपिक्स हैं उन्हीं से बार बार रिपीट होता है। इंग्लिश में अलग अलग चीजें हैं, वो इस बार और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर के मतलब कहानी ये है। मैथ्स के भी कुछ पैडागॉजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कहानी ये है कि अगर आप सीटेट के लिए जुड़े हुए हैं और आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करते हैं और थोड़ा चैनल से जुड़ते हैं तो आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपना जो आधार है, अपनी जो मेहनत है, जो सेल्फ स्टडी है, उसको नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ के लिए। बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनमें फिर अपना अलग अलग तरीका है, सीडीपी सभी के लिए, और बाकी इंग्लिश चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी ये नहीं कह सकते कि पूरा 0 to 100 कवर हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट इन फ्यूचर देखने को मिलते रहेंगे आपको। चलिए फिर कल मिलते हैं, बहुत बढ़िया सारिका। ऐसे कई लोगों की बड़ी इच्छा है मेरे कितने मार्क्स हैं, ऐसे बताने मन नहीं है, हालांकि बुरे नहीं है, बट पता नहीं इस बात से मन नहीं है। तो सारी उम्मीदें मुझसे ही है क्या? बता दूंगी, संडे वार्ता में डिस्कस कर लेंगे कौन सी आफत आ रही है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। बाकी सीडीपी में 30 out of 30 हैं, हिंदी में 25 या 24, ऐसे इंग्लिश में भी 25-24 के अराउंड है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लाइक शेयर करते जाना, और बेहतर सीखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ये तो हुई मजाक की बात। ऑल द वेरी बेस्ट उनके लिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं, गुड नाइट।